प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। अभ्यास 5d, जिसका पहला प्रश्न है, कह रहा निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में 81a स्क्वायर को यदि हम देखें, 81 9 का होल स्क्वायर बनता है, तो 81 9a का होल स्क्वायर। इसके बाद 16b स्क्वायर देख रहे हैं, 4b का होल स्क्वायर। फिर देख रहे हैं अपने फार्मूले के अनुसार माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। आप देखिए यहाँ पर यदि हम गुणा करके देखें तो 9 दूनी 18 और 18 चौक 72ab, देख रहे हैं 72ab दिया है, इसलिए यह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार का व्यंजक है। तो ये दिया हुआ व्यंजक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्रकार का है। इसके बाद सेकंड पार्ट यदि देखें, सेकंड पार्ट में देख रहे दिया है, इसका सेकंड पार्ट है 16b स्क्वायर माइनस 20by प्लस 25y स्क्वायर। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो देख रहे हैं 16b स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर, फिर देख रहे हैं 25y स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस 2 गुणे ये पहला पद गुणे दूसरा पद। आप गुणा करके देखें तो 4 दुनाई 8, 8 45 by, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं 20by दिया है। इस प्रकार से यह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। इसके बाद थर्ड पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट में देख रहे हैं प्रश्न है 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 9। तो यदि देखें यहाँ पर 25x स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर माइनस, फिर देख रहे हैं 9 3 का होल स्क्वायर बनता है। आप फार्मूले के अनुसार 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, देखिए 5 दुनाई 10 10 33 एक्स, यहाँ पर देख रहे हैं केवल 10xy दिया है, इसलिए ये जबकि होना चाहिए 5 दुनाई 10 33 एक्स, ये बराबर नहीं है, इसलिए यह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। इसके बाद इसका चौथा पार्ट दिया है, देखें चौथे पार्ट में प्रश्न है 5x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। यदि इसमें देखें तो 5 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर x का, तो अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर। फिर देख रहे हैं माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, गुणा करके देखेंगे 2 तिहाई 6 6 अंडर रूट 5xy, जबकि यहाँ देख रहे हैं 30xy है, इसलिए यह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दो में दिया है, कह रहा निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, जिसका फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। इसको भी हम दो विधियों से हल कर सकते हैं, एक हमारा समूह बनाकर, एक सर्वसमिका की सहायता से। तो हम इन प्रश्नों को सर्वसमिका की सहायता से हल करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, फिर देख रहे हैं प्लस 9y स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, देख रहे हैं माइनस है 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब अगर देखें 2 दुनाई 4 3 12xy ऊपर दिया है, इसलिए बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस 2 घात को हम 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 2x-3y इंटू 2x-3y। ये हमारे इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट में 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, 9x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर माइनस, फिर देख रहे हैं 1 1 का होल स्क्वायर 2 गुणे पहला पद
गुणे दूसरा पद। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 2 तिहाई 6x के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस दो घात को हम गुणा करके अलग अलग लिख सकते हैं, 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फिर इसका थर्ड पार्ट दिया है, देख रहे थर्ड पार्ट में 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। देख रहे हैं 25x स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 36 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। देखिए 5 दुनाई 10 10 छक्का 60x दिया है, इसलिए बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब दो घात को दो बार गुणा करके लिख सकते हैं 5x माइनस 6 इंटू 5x माइनस 6। यही हमारे इस थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका चौथा पार्ट दिया है, देखें चौथे पार्ट में चौथा पार्ट है 49x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 16। देख रहे हैं 49x स्क्वायर 7x का होल स्क्वायर माइनस फिर देख रहे हैं प्लस 16 4 का होल स्क्वायर। आप फार्मूले के अनुसार 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, देख रहे हैं गुणा करेंगे 7 दुनाई 14 14 चौक 56x दिया है, तो यह बन जाएगा 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर। दो बार गुणा करके लिख देंगे 7x माइनस 4 इंटू 7x माइनस 4। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं इसका पांचवा पार्ट दिया है, पांचवे पार्ट में देख रहे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36y स्क्वायर। देख रहे हैं यदि इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएं तो एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस फिर देख रहे हैं 36y स्क्वायर 6y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप फार्मूले के अनुसार माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, देख रहे हैं गुणा करेंगे 6 दुनाई 12xy जो कि दिया है, तो ये बन जाएगा x माइनस 6y का होल स्क्वायर। और इसको दो बार गुणा करके लिख सकते हैं x माइनस 6y इंटू x माइनस 6y। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये अभ्यास 5D के सभी प्रश्नों का हल है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।